the view from here is really spectacular. मतलब मैं सुबह उठा जब जैसे ही आई जस्ट वोक अप एंड आई जस्ट सॉ दिस ब्यूटीफुल माउंटेन. मतलब मेरी पहली आँख खुली तो राइट साइड पे अपने विंडो के थ्रू ही माउंटेन्स दिख रहे थे एंड इट वॉज अ वाइड 180 डिग्रीज व्यू ऑफ दिस माउंटेन्स एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल. दिस इज ऑल आई वुड आस्क फॉर. आई जस्ट गॉट अप वेंट आउटसाइड द बालकनी राइट हियर एंड आई जस्ट हैड अ ग्लैंस एट दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड ऐसा लग रहा था कि इफ आई I could take it to my home with me, but I can take this video, this memories with me. So अभी plan of action कुछ ऐसा है. अभी हम जा रहे हैं for a breakfast. Breakfast करके we are about to leave and packing करेंगे फटाफट because it's time to go home. This is the worst part of the trip, but ये तो reality है. इसको accept करना पड़ेगा, face करना पड़ेगा. इसी नए सफर की शुरुआत होने के लिए पुराने सफर को खत्म होना पड़ता है. So इस सफर को यही खत्म करते हैं ताकि किसी नए सफर की जल्दी शुरुआत हो पाए. सो गाइस पहाड़ों इतना ज़्यादा हो गया, मैं आपको इंट्रो देना भूल गया. सो गाइस जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोगों के लिए बता दूं, मैं निवेश जाते हैं एंड यू आर वाचिंग ऑन रणवीर. अगर आप नए हैं चैनल पे, आपका भाई रोज रेगुलर वीडियोस बनाता है रिगार्डिंग ट्रैवल, फूड, रिगार्डिंग लाइफस्टाइल, व्लॉगिंग, लॉट मेनी स्टफ यू गोना सी इन कमिंग ईयर्स, कमिंग मंथ्स, कमिंग फ्यू डेज. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियोज अच्छी लग रही हो एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं देन हम आगे भी साथ में बने रहेंगे एंड आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे एंड आपका साथ मिले तो आपकी सपोर्ट के साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे. तो दैट्स इट, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और तब तक आप सब्सक्राइब करो. तो मिलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के. इस रूम को, इस व्यू को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है एंड यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है. तो गाइस निकलने से पहले आखिरी बार आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ. भैया लोगों ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी, काफ़ी अच्छी सर्विस दी और अच्छा लगा. यहाँ से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमने सब्सक्राइबर्स भी बनाए हैं अपने. ठीक है, ओके, थैंक यू. यू आर सी यू अगेन, जल्दी मिलते हैं. सो इट्स टाइम टू लीव और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ. बाय द वे गाइस, जो कल रात को आपने व्लॉग में डॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो जाके व्लॉग देखो. मतलब आपने कभी रॉटवेलर्स इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं देखे होंगे. ही वॉज वेरी फ्रेंडली, इतना क्यूट डॉग था, मतलब इतना प्यारा था ना यार. उसने क्या किया, उसको हमारा रूम नंबर पता नहीं कैसे पता चला, हमारा रूम कौन सा है, कहाँ हम स्टे किए हैं. वो आके हमारे रूम के बाहर सो गया था, रात भर वहीं सोया रहा और सुबह उठ के जैसे ही पापा बाहर निकले रूम के, वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर बैठ लेटा हुआ था, सोया हुआ था. आपके दरवाजे के बाहर, दूसरे रूम के? अच्छा, हमारे दरवाजे के बाहर. क्योंकि मैं उसको सारा टाइम उसको लगा हुआ था, उसको रब कर रहा हूँ, उससे रब कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे सारा टाइम वो था मेरे साथ ही लेटा हुआ. जहाँ मैं उठ के उधर जाता था, उधर आके मेरे आगे बैठ जाता था. उसको पता नहीं कहाँ से पता चला कि उसमें, अफकोर्स कुत्तों को तो सेंस ऑफ स्मेल तो होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. हाँ, थर्ड फ्लोर पे आया वो हमारे पास, रात भर वहीं सोया रहा, सुबह जैसे ही उठे सामने हमारे दरवाजे के बाहर लेटा हुआ था. निकलने से पहले मिल भी नहीं पाए बेचारे से. जल्दी आएंगे वापस और उससे मिलेंगे दोबारा. आई डोंट नो यार, मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है यार डॉग्स के साथ, चाहे जैसे मर्जी जो मर्जी ब्रीड के डॉग्स हों, पमेरियंस के अलावा. बाय द वे, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने ब्रेकफास्ट कहाँ किया, ब्रेकफास्ट करने वाले थे हम, तो ब्रेकफास्ट हमने किया गाड़ी में क्योंकि मम्मा को थी कुछ थोड़ी जल्दी, थोड़ी नहीं काफ़ी जल्दी, मम्मा को जाना था बैंक. कैसी चाय अम्मा आपकी? खट्टी. अम्मा चाय पी रही है. ये चाय नहीं, चटनी है. चाय की तरह पी रही है, पकौड़े और चटनी पी रही है अम्मा चाय की तरह. ये देखना कैसे पी लेते हैं, देखा नहीं जा रहा वैसे. गाइस मेरे फ़ोन पे अगर आप ये रेत देख पा रहे हैं, रेत दुबई मरीना बीच की रेत. तो जब भी मैं हाथ डालता हूँ पॉकेट में, ये निकल के थोड़ी सी बाहर आ जाती है और मैं जितनी मर्जी वाली शॉर्ट्स को धो लूँ, वो रेत बाहर ही नहीं निकलती है. बहुत कोशिश की, बस फ़ोन के साथ चिपक के थोड़ी थोड़ी निकलती है और हर बार मुझे वो दुबई मरीना बीच की याद दिलाती है. देखो रेत कहाँ तक ट्रैवल करती है मेरे साथ साथ, दुबई की मिट्टी. तो इसी के साथ दुबई व्लॉग की मार्केटिंग ही कर देते हैं. जिन्होंने दुबई वाला व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ कहीं लिंक होगा, देख लो. और अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारी मर्जी, फ्री वर्ल्ड है भाई. फाइनली वी बैक होम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम.
feel so good getting back where you belong. तो भाई अब वो है कि जैसे मैं रूम में एंटर किया और आपके सामने भी लेटा हुआ है तो आई जस्ट स्लेप्ट, आई जस्ट डोज्ड ऑफ. उसके बाद उठ के आई हैड फ्यू वर्क, मेरी जरूरी मीटिंग थी, आई कुडंट अटेंड दैट मीटिंग, वी यू नो मैनेज्ड इट ऑन कॉल. बाकी मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि हम ट्रैवल करने के बाद थक क्यों जाते हैं. यू जस्ट हैव टू सिट एट वन प्लेस, बट एनीवे उसका सवाल तो किसी को नहीं पता. पता है तो बता दो कमेंट सेक्शन में. और हाँ, बाकी सवाल जो अब तो चलते रहेंगे, बट एक क्विक अपडेट देना था. अभी इन 3 दिनों में कोई एडिटिंग नहीं कर पाया हूँ. मेरा ना सारा बैकलॉग चला गया बहुत सारा, क्योंकि 2-3 दिन मिस हो गए एडिटिंग में. पर कोई बात नहीं, जो 2 दिन का हमारा मिस हुआ है वो हम कवर कर लेंगे इन अगले 2 दिनों में. डबल मेहनत करके, डबल एडिटिंग करके, और आपको कंटेंट टाइम से दे रहेंगे, डोंट वरी. उसके बदले में आपसे एक चीज़ की ज़रूरत है मुझे, कुछ क्लिक्स की एंड कुछ कमेंट्स की. क्योंकि यू नो कमेंट्स एंड लाइक करना मैं इसलिए बोलता हूँ ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि इस वीडियो पे एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही है. तो एंगेजमेंट शो करो, कमेंट लाइक शेयर वगैरह करो, तो ताकि आगे भाई ज़्यादा दूर तक जाए, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े हमारे, ज़्यादा लंबे समय तक हम आपको कंटेंट फॉरएवर पहुँचाते रहे, और हम आपके साथ और आप हमारे साथ हमेशा बने रहें. मुझे ज़रूरत है आज इन दिनों. आई जस्ट कभी कभी मुझे भी अंदर से डीमोटिवेशन फील होती है यार, कभी कभी ऐसे आती है. एंड देन आई फील मोटिवेटेड अगेन व्हेन आई सी माय वर्क, व्हेन आई यू नो व्हेन आई टॉक टू समवन, व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक टू पीपल हु लाइक माय वर्क, व्हेन आई टॉक टू माय पेरेंट्स. एंड यू नो माय पेरेंट्स आर द बिग सपोर्ट, दे मोटिवेट मी ऑलवेज. उन्होंने हमेशा कोई इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि दे पुश मी टू मेक ब्लॉग्स, दे पुश मी कहीं भी जाओ कुछ भी करो, तो वो बोलते हैं कि भाई ब्लॉग बना, यहाँ भी ब्लॉग बना, वहाँ भी ब्लॉग बना. मतलब हर चीज़ में वो कंटेंट ढूंढ ढूंढ के मेरे लिए लाते हैं. सो एवरीवन इज़ पुशिंग मी सो हार्ड एंड आई एम सो मोटिवेटेड फ्रॉम ऑल दीज पीपल. बट कभी लगता है कि नहीं यार, आई वॉन्ट मोर देन दिस, यू नो. सो आई वुड एक्सपेक्ट कि यार मेरे मतलब थोड़े तो सब्सक्राइबर बढ़ जाए, थोड़ा तो मोनिटाइज हो जाए चैनल. अभी तक मेरे चैनल मोनिटाइज भी नहीं हुआ है. आई एम रियली हैप्पी विद वॉट आई हैव, बट अगर इससे ज़्यादा होता तो आई वुड हैव बीन मोर हैप्पियर देन दिस. क्योंकि मेहनत जिस हिसाब से की है मैंने, जिस हिसाब का कंटेंट दे रहा हूँ, आई थिंक बट कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल ज़ाया नहीं जाता, तो मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है. और इसी तरह आप भी अगर कुछ कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी भर लगे रहिए, डटे रहिए. ज़िंदगी में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी उस मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा. आई एम हैंडलिंग माई बिजनेस, दैट इज़ माई जिम बिजनेस, एंड आई एम हैंडलिंग दिस व्लॉगिंग. तो किसी तरह से मैं मैनेज करता हूँ दोनों चीज़ों को, एंड आई ट्राई टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग. कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, बट कोशिश करता हूँ. ऑनेस्टली मैं अपना टाइम इतना जिम में नहीं देता हूँ जितना व्लॉगिंग पे और एडिटिंग पे और इन सब चीज़ों में देता हूँ. शायद 10-20% टाइम जिम को दे रहा हूँ आजकल, एंड 90% या 70-80% मैं व्लॉगिंग में दे रहा हूँ. सो आई एम लूजिंग समथिंग फॉर दिस, बट दैट इज़ माई चॉइस, एंड आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई फील इट इज़ राइट. एक जगह पे अगर टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ तो मेरे को कहीं से कम तो करना पड़ेगा. सो आप लोग मुझे सही प्रूफ करना ज़रूर, एंड मेक श्योर कि ये राइट ही हो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. मैंने ज़्यादा बहुत स्ट्रेच कर दिया अगेन. बाय बाय गाइस, मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलूँगा. टेक केयर एंड लिव अ लाइफ, लिव अ डे, एंड हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट नाइट, एंड कीप वॉन्डरिंग. लव यू गाइस.